लाज कुल कानी हमारी महारानी हमारी ठकुरानी किशोरी जी के चरणों में आए हैं। मैं दांत मारे आया हूँ।
पीछे भागते हो ना, ये तो प्राण जीवन धन लाल बिहारी जी को, हमारी महारानी करो बाबा, भजन कर रहे हैं राधा कुंड पे। अब भजन तो कैसे होता है, इस कली काल में तो इतना सरल है प्यारे। बाबा भजन कर रहे हैं, तपती लू चल रही है, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, वो सत्ययुग का समय कितनी कठोर तप कर गए, कलयुग में तो इतना है ही नहीं। ऐसी मालकिन, ऐसी सेठानी, ऐसी स्वामिनी कहाँ मिलेगी कि बाबा भजन कर रहे हैं, ऊपर लू तपता सूरज सिर पर है, श्री जी अपने निकुंज धाम को छोड़कर, निकुंज को छोड़कर आ गई और बाबा के ऊपर आंचल की छाया कर दी, कहीं धूप ना लग जाए।
ऐसी ऐसी मालकिन कहीं मिलेगी। एक दास ने इच्छा कर ली, मेरा भाई आया है साधु रूप सनातन गोस्वामी जी, मेरा भाई आया रूप गोस्वामी, कहने लगे कि मैं पवाऊँ क्या, मैं तो 7 दिन मधुकरी करके टिक्कड़ नंद गाँव से इकट्ठा करता हूँ, तो उसी में पानी में घोल के खाता हूँ, लेकिन मेरा भाई इतने सालों बाद आया, श्री जी इनको टिक्कड़ सूखे, काश मेरे पास खीर का कटोरा होता। तो राधा रानी अपने गोलोक धाम को छोड़ के खीर का कटोरा लेके आ गई। ऐसी मालकिन कहीं मिले। प्रमाण भक्तमाल सुनी सुनाई है, लेकिन फिर मैं उसी बात पे आ जाऊं कि विनोद भैया ने सारी जिंदगी हरि नाम गाया, मांगा क्या महीना पहले इंटरव्यू में कि अब मैं थक गया हूँ, मेरा मन करता है कि वृंदावन के रज में ही समा जाऊँ, अब मैं शांति चाहता हूँ। तो श्री जी उनकी भी पूरी करने के लिए आ गई। जिस में प्रेम का रिजल्ट मैं फिर कह रही हूँ अंत में मिलता है, जब तक मीरा जी धरती पर थी तब तक किसी को नहीं पता था कि ये कौन सी विभूति है। जब तक भैया धरती पर रहे कोई जाना कोई नहीं जाना, लेकिन मेरा मानना है प्रेम गली की शुरुआत भैया के गीतों के बिना हो ही नहीं सकती। आज बड़े से बड़ा वक्ता भी हो, लेकिन जब तक वो विनोद भैया की गाई हाजिरी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आगे बढ़े। तो प्यारे रिजल्ट लाडली ने दिया कि कार्तिक मास वृंदावन की भूमि, परिवार मुंबई रहता है, चाहता तो ले जाता दिल्ली हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, लेकिन श्री जी ने हालात ऐसे कर दिए कि उनको अभी घर से जबरदस्ती लेकर गए हैं कि भैया चलो बाबूजी आपको चलना है, बोले नहीं मैं ठीक हूँ, 3 वॉमिटिंग ही तो आई ब्लड की, कहने लगे मैं ठीक हूँ, बोले दिखा के ले आएंगे एक बार चलो हमारे साथ। 4th बार जब अस्पताल में वॉमिटिंग आई, इससे पहले कि कोई रिपोर्ट खतरनाक आती और वो फटाफट दिल्ली लेके जाते, उसी समय वॉमिटिंग करते ही भैया गिर गए, अनकॉन्शियस हो गए, सेंसलेस हो गए कि ना इसमें, सीधा वेंटिलेटर पे डाल दिया, वेंटिलेटर से दिल्ली कहाँ कोई लेके जा सकता है, इतना समय ही नहीं दिया, 24 घंटे भैया रहे, लेकिन उस 24 घंटे में वो कोई भी लालच कर सकते थे कि मैं और जीना चाहता हूँ, मैं हरि नाम करना चाहता हूँ, कोई संत सामने आ गया, अंतमति सो गति किसी में भी वृत्ति फंस जाती तो फिर आगे की दौड़ दोबारा से जन्म दोबारा सब, लेकिन श्री जी इतना प्यार करती हैं, रिजल्ट दिया कि उनको बिल्कुल अनकॉन्शियस कर दिया, कोई याद नहीं आया कौन मेरे सामने, और अंत हनुमान जयंती वाले दिन, क्योंकि प्रभु आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने वाले केवल हनुमान जी हैं, जिसकी भक्ति में हनुमान जी की पूजा नहीं है उसकी भक्ति सार्थक नहीं हो सकती। हनुमान जयंती का दिन, कार्तिक मास का समय, श्री जी की मंगला का समय, और जब जा रहे हैं तो एक एक ब्रजवासी हाथ में लेके रज और दे के भैया के ऊपर, ऐसे लगा कि भैया जब जा रहे थे दूल्हा बन के जा रहे थे और पूरा श्रृंगार रज से हो गया, मैं वहीं पर थी। और सबसे बड़ी बात आज आपको बताती हूँ कि परसों भैया दूज पे बिहारी जी के गोस्वामी मेरे से तिलक करवाने आए, अनंत गोस्वामी जोनी भैया, अभी अंदर आए बैठे नहीं, बोले पूनम क्या रिश्ता था मेरा विनोद से, गोस्वामी है कुछ भी कह सकते हैं, क्या रिश्ता था मेरा, मैंने कहा भैया क्या हो गया, बोले मुझे पता नहीं चला, हम ब्रजवासी हैं ऐसे किसी को दाग नहीं देते, उनके खुद का बेटा होते हुए उन्होंने अग्नि संस्कार मेरे से करवाया और कपाल क्रिया भी ब्रजवासी के हाथों से लेकर गए हैं, इससे बड़ी और क्या होगा, ये रिजल्ट देती है, ऐसी स्वामिनी कहीं मिलेगी। मैंने तो जब से इस लाइन में आई हूँ शायद ही मेरे हिसाब से ये पहले संकीर्तन प्रवक्ता है, हरि नाम संकीर्तन प्रवक्ता, जिन्होंने गाया और उसे सार्थक भी किया और श्री जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसका रिजल्ट बाद में पता चलता है, बाकी दुनिया को रिझाने के लिए तो हम सब बैठे ही हैं, श्री जी को रिझाए तो बात में ऐसी होगी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हर धन धन राधा ना, मेरे को समय बता देना क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठा के कहे मेरे साथ, इन दो लाइनों को दोहराए,
अरे धन धन राधाना राधा राधाना मुझे प्राणों से प्यारा है
धीमा नहीं गाया जाता है। श्री राधे, श्री राधा राधा Oh,
जब तक राधा नाम नहीं है। एक बार कह दो निताई गौरा, निताई गौरा। जेवर से सब अंग सजाया, जेवर से सब अंग सजाया, जेवर से सब थोड़ी ना अभी कमा धमा लो भैया, परिवार पाल लो। अरे प्यारे, किस मूर्खता में जीवन जी रहा है। एक मिनट भी नहीं मिलेगा, जब तू चला जाएगा तेरे से अच्छा परिवार चलेगा। हर काल खड़ा अपने मत डोले, काल खड़ा अपने मत डोले, काल खड़ा अपने मत डोले, काल खड़ा अपने मत डोले। राधे राधे। कार्ड में अपने नामों की लिस्ट देने की बजाय हरि का नाम दिया करो। गोपाल सहस्त्र नाम में 1008 नाम है ठाकुर जी के। इतने नाम कभी ठाकुर जी के दे देना तो तुम्हारा संकीर्तन करवाना सार्थक हो जाएगा। हर काल खड़ा अपने मत डोले, काल खड़ा अपने मत डोले, हरी ना, हरी ना, हरी ना, हरी ना, हरी ना, हरी ना, नहीं
को लगाए। मैं फिर निवेदन करूंगी, जो वैष्णव हैं वो बैठे ना रहे, खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर हरि बोल हरि बोला जाता है। केवल एक भाव और कहकर मैं वाणी को विश्राम दूंगी। और मेरा निवेदन है कि 18 तारीख को हमारे विनोद भैया का जो भी परिवार है, जो उस परिवार के जन खुद को मानते हैं, सभी वृंदावन पहुंचे गोविंद की गली में और श्रद्धांजलि, अपने अपने श्रद्धांजलि सुमन देने के लिए जरूर पहुँचे, क्योंकि ऐसी पुण्य आत्मा के यहाँ आना हम लोगों का सौभाग्य होगा। जो जो वहाँ जन पहुँचे मेरा निवेदन है। और कल का संकीर्तन हमारा भैया की कुटिया में ही है, जो कि जाने से पहले निश्चित करके गए थे। पहले किसी कारणवश कैंसिल कर दिया, पर धन्य है वो परिवार के जन जो भैया की खुशी के लिए बोले कि कुछ भी हो, भैया की प्रसन्नता जिसमें है वो हरि नाम
कभी रुकना नहीं चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी कि जब मैं भैया के यहाँ जाके संकीर्तन करती और भैया सामने बैठ के सुनते थे, लेकिन आज कोई नहीं तन से नहीं मन से हमारे मध्य में। सभी जन पहुंचे जो कल पहुंच पाए कल, जो 18 को पहुंच पाया, 18 को तो सबको पहुंचना है, उसके बाद जय श्री जी की इच्छा। केवल इस भाव के साथ वो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, हाय किन्ना सोना रब ने बनाया, जी कर देखदा रबा। भावना में सोना तेनु किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, दिल कर देखदा रबा। किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, दिल कर देखदा रबा। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर देखदा रबा। किन्ना सोना तेनु रब ने काम का
मुखड़ा किसी चांद से कम नहीं। और किसी ने यूं भी कहा है कि ये चांद तू इतना घुमा ना कहे, इधर भी एक चांद बैठा है, अरे तुझ में तो दाग है लेकिन इधर बेदाग। बजरंगे हर हर महादेव, जो बोले सो निर्भय, सनातन धर्म की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो श्याम प्यारे की जय हो, हरे के सहारे की जय हो, तीन बाण धारी की जय हो, हाँ जी। आइए एक जोरदार जयकार पूनम दीदी के समक्ष, क्योंकि मुझे लगता है एक एक श्याम प्रेमी आज वृंदावन गया था, बरसाना गया था, ऐसा मुझे लगता है। अगर वास्तव में आपको भी लगा कि आज हमने वास्तव में राधा रानी को याद किया, कृष्ण जी को याद किया, तो एक जोरदार जयकार बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी की, बोल खाटू नरेश की, बोल लखदा तार की। इससे ज़्यादा शब्द मैं दीदी के लिए नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इतना कुछ दे जाती हैं। अभी आप बोले थे कि मैं इतना कुछ ले जाती हूँ, पर उसके बदले में कितना कुछ दे जाती हैं उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। ये तो लाख दो लाख चार लाख पे रुक जाएंगी, लेकिन करोड़ों रुपये का जो दौलत हमारे को मिल गई वो कहीं नहीं रुकेगी भैया, जीवन भर हमारे साथ रहेगी। हाँ मैं जानता हूँ भैया, क्योंकि जो भी इनकी सेवा है वो सब ब्रिजवासियों के गांव वहाँ पे पलते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। एक जोरदार जयकार दिल से लगाया इनके लिए, बोल सांचे दरबार की, खाटू नरेश की। मैं मंजू अग्रवाल जी से प्रार्थना करूँ।